भक्ति सदा सत्संग। और प्रेम से भरी उन मीराबाई ने उदा को उठाकर हृदय से लगाया। और जब जनाबाई के उपलों से विठ्ठल की ध्वनि आ सकती है, तो मीरा जी जैसी परम भक्तिमती, परम प्रेममती, जिनके रोम रोम में श्याम सुंदर के प्रेम का रस प्रवाहित होता हो, उदा को हृदय से लगाया और प्रेम स्वरूप कर दिया। उदा के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। अब दिन रात मीरा जी के मन में सहज ही वृंदावन का चिंतन है। और वहां श्री गोस्वामी जी का उत्तर आ गया। मीरा जी ने पूछा कि क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री गोस्वामी जी ने उत्तर भेजा, जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी, राम बैदेही। मीरा जी को उत्तर मिल गया। अब तो मीरा जी के मन में अभिलाषा प्रबल हो गई, जो प्रकट थी वो प्रबल हो गई कि कब ये नैन वृंदावन का दर्शन करें। और मन ही मन अभिलाषा स्वरों में, शब्दों में मुखर होने लगी, श्याम मन चा कर राखो जी, श्याम मन चा कर राखो जी, सारिया चा कर राखो जी, सारिया चा कर राखो जी, चा कर राखो, चा कर राखो, चा कर चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, कवर कर ले या आगे भी बैठ जाए, आगे भी बैठा दे यहां सबको। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, बिन रावण री कुंज गलिन मा, 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 गोविंद लीला हासू श्याम मन चाकर राखो, जी सारिया चाकर राखो जी,
बाग लगाऊं बिच बिच राखूं क्यारी। हरे भरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखूं क्यारी। गोविंद जी ना दर्शन पाऊं, गोविंद जी ना दर्शन पाऊं, गोविंद जी ना दर्शन पाऊं। पहर कसूं भी सारी शाम मन चाकर राखो जी, शाम मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। पीतांबर सो है गढ़ वैजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सो है गढ़ वैजंती माला। बिंद रावण मां धेनु चरावे, बिंद रावण मां धेनु चरावे, बिंद रावण मां धेनु चरावे, प्रसाद लेने के लिए आई है। हरि जी मोरे, जय हो नाथ मोरे, हरि जी मोरे नाथ मोरे। मैं तो कीर्तन कराता हूं तो ऐसा कि वृंदावन आपकी आवाज पहुंचे, यहां राधा पाठ सारथी के पास भी नहीं पहुंचे। हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आवे रहियो, हरि जी मोरे जय हो नाथ
ये वृंदावन धाम की महिमा है कि जिसका नाम लिया जाए तो हृदय में आनंद कंद प्रकट हो जाते हैं। आप सबके हृदय में प्रकट विराजमान आनंद प्रभु की जय हो। श्री राधा का संकेत मिल गया। चल दी मीरा एक तारा हाथ में और गिरधर गोपाल की मूरत साथ में। एक नदी का उद्गम होता है समुद्र से मिलने के लिए, उसका उद्देश्य समुद्र है, लेकिन वो जहां जाती है उस भूमि को उपजाऊ कर देती है। गंगा जी समुद्र में मिलने से पहले जिन जिन ठौर से होकर आती हैं वो स्थान तीर्थ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भक्त भी संसार में आता है प्रेम सिंधु से मिलने के लिए या फिर उससे मिलन का मार्ग बताने के लिए, लेकिन ये भक्ति महारानी का वैभव है कि वो जहां से जाता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है हरि के गुणगान से। तो मीरा जी का एक तारा हाथ में और गिरधर गोपाल की मूरत साथ में, मीरा जी की सखियां सहचरियां तैयार हो गई, प्रस्तुत हो गई वृंदावन की ओर चलने के लिए। उदा ने हठ ठान ली कि भाई साहब, मैंने आजीवन आपका विरोध करके अपना जन्म और जीवन बिगाड़ा है, यदि आप भी अगर मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं देंगी तो फिर मेरा पतन होना निश्चित है, और आपके चरणों की छाया में मैं जैसी भी हूं पर अब आपकी हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, आप मुझे अंगीकार कर लीजिए। मीरा जी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उदा ने भी मीरा जी के साथ ही घर छोड़ दिया और वृंदावन की ओर चल दी। रास्ते में जहां ठौर मिलती वहां अपने प्रभु को विराजमान करके मीरा जी श्याम सुंदर का गुणानुवाद करती। एक बार एक राजकुमार मीरा जी को उसने नृत्य करता देखा और मीरा जी के रूप पर किंचित आसक्त हो गया और मीरा जी को प्रणय निवेदन लिख भेजा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मीरा जी ने कहा, मैं विवाह तो कर लूंगी लेकिन मेरी एक दो शर्तें हैं, उसे आप सुन लें। राजकुमार ने कहा कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मीरा ने कहा कि जो मैं पहनाऊंगी वो पहनना पड़ेगा, जो खिलाऊंगी वो खाना पड़ेगा। बोले हाँ, ये दोनों मैं स्वीकार करता हूं, और जब मैं सोऊंगी तब तुम्हें जागना पड़ेगा। तो राजकुमार ने कहा, ये कैसे संभव है कि क्या मैं कभी सोऊंगा ही नहीं? तो मीरा ने कहा, तुमसे पूर्व जो मेरा पति है उसमें तो ये तीनों गुण है, जो खिलाती हूं उसको खाता है, जो पहनाती हूं उसको पहनता है, और जब ये मीरा सोती है तो ये जागकर सदा उसकी रक्षा करता है। तुम में इससे ऊपर कोई और गुण हो तो मैं तुम्हारा वरण करूं, तो मैं तुम्हारा चयन करूं। पर जैसे जैसे वृंदावन निकट आता जा रहा था वैसे वैसे मीरा के हृदय की आकुलता, मीरा के हृदय की व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी। कहीं पपीहा बोलता तो मीरा मूर्छित हो जाती। दासियां कितने कितने प्रयत्न करके, कितनी बार हरिनाम संकीर्तन करके मीरा जी को पुनः चेतना में लेकर आती। तन शिथिल होता जा रहा है, अंग जर्जर होते जा रहे हैं। प्रेम का स्वभाव उष्ण होता है, जिस हृदय में प्रेम होता है वो उस हृदय को सदा तपाता है, प्रेमी तप्त रहता है। प्रेम में एक संतोष भी है, प्रेम में एक तृप्ति भी है, लेकिन एक अतृप्ति भी है, एक अपूर्णता भी है। प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमानम सह सूक्ष्म सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतमम अनुभव रूपम अविच्छिन्नम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का लक्षण है।
और जैसे क्या होता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जो वर्षा होती है वो बड़ी सुखद नहीं होती, और वही वर्षा जब जेठ और आषाढ़ के बाद होती है तो प्राणी मात्र पुलकित हो जाता है। ऐसे ही भगवान को मिलने की अभिलाषा ना हो,